तो सोयाबीन की जो है ना दही या छाछ बनाकर पियो। कैसे बनाओगे ये हम आपको बता दें कि 100 ग्राम सोयाबीन लो और रात को भिगो दो, सुबह उसको मसल करके और उसका जो है छिलका हटा दो, नहीं हटता है कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसे गीली दाल पीसने वाली मशीन में या मिक्सी में पीस करो, खूब बारीक पीसो और उसमें करीब 1200-1300 मिलीलीटर पानी मिला दो, यानी 1.25 लीटर के आसपास, और फिर उसे घोलो अच्छी तरह से। घोल करके मोटे कपड़े से, सूती कपड़े से छान दो और छानने के बाद जो छना हुआ दूध है उसे गरम करो। गरम करने के बाद दही जमाने आता होगा आप सबको, उसमें दही का जामुन डाल दो कुछ देर के बाद। बहुत अच्छा दही जम जाता है, इतनी बढ़िया शानदार दही जमता है। अब उस दही को एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन तक रखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें उसके फर्मेंटेशन से उसकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है, उसे